गनौर महादेव के कागजात पर हस्ताक्षर को लेकर नगरपालिका के कार्यवाहक चेयरमैन सुनील लंबू व अस्थायी सफाई कर्मचारी सुनील कुमार आमने सामने हो गए। दोनों ने एक दूसरे पर अभद्र व्यवहार करने के साथ ही धमकी देने का आरोप प्रत्यारोप लगाकर प्रशासन व पुलिस को लिखित शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। चलिए दिखाते हैं अपनी अपनी सफाई में कौन क्या कह रहा है। क्या समस्या हो रही है जी? मैं अपनी नगर पालिका में गया था अपनी सैलरी के लिए। मेरी 8 महीने की 11वें महीने से मेरी सैलरी पेंडिंग है, जो कि सुनील लंबू का वो एक चेयरमैन है नगर पालिका से, जो कि मैं उसके बार पास बार बार जाता हूँ, मेरे को सैलरी के लिए मना कर देता है, नहीं मेरी उस पर सैलरी पर साइन करता। और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, अकाउंटेंट साहब हैं, और अपने हमारे सफाई निरीक्षक है, उन्होंने सभी ने मेरी फाइल पुट अप कर रखी है उसके चेयरमैन के लिए जी। और चेयरमैन साहब से मैंने आज बोलिया, रिक्वेस्ट करी सर मेरी सैलरी निकाल दो, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपनी सैलरी ले लूँगा। उसने मेरी फाइल मेरे सर पर मारी और मेरे को गाली गलोचा दी। मैं छानबीन नहीं करूँगा, मैं इनकी वेतन पहले कैसे दूँ या अब कैसे दूं, पहले ये राजनीतिक प्रेशर बनाने के कारण भाई मेरे को गालियां देता है, झगड़ा करता है। जब वो मेरे पास आए, यहाँ 5-7 आदमी पहले भी बैठे थे, जैसे अब भी बैठे हैं, आप दिखा सकते हैं इनको, हमेशा ही यहाँ 2-4 आदमी बैठे रहते हैं। जब वो यहाँ पे आया, पहली बात तो मास्क नहीं लगा रहा था। मैंने उसको कहा भाई कोई बात नहीं, मैं फाइल पढ़ के ही साइन करूँगा, बिना पढ़े मैं साइन नहीं करूँगा। पर वो कहता जी आप अभी साइन करो, ज़बरदस्ती करने लगा। मतलब भाई ज़बरदस्ती साइन नहीं होता, सफाई कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी की तरह से ही बात कर। बस वो फाइल लेके फटाफट भाग गया, उठी थाने में दरखास्त दे दी कि राजनीतिक वालों को गालियां देता है। वो हमारे माननीय हैं, हमारे हरियाणा सरकार के माननीय हैं। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से संपर्क में हूँ, शुरू से ही हूँ, फिर भी अगर कोई ये अपनी तनख्वाह लेने के लिए या झाड़ू गनोर में नहीं लगाना चाहता, इसलिए वो जानबूझ के झूठी ये वीडियो बना के वायरल करा रहा है और गन्नौर थाने में दरखास्त देता है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।